हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईएनडी क्राफ्ट। तो हाँ, मैंने कुछ ऑफ कैमरा प्रोग्रेस किया है यहाँ पे इस विलेजर ब्रीडर में। मैंने इसका विलेजर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था लास्ट एपिसोड में, तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि एकदम परफेक्टली काम करे अब। और मैंने अपने विलेजर हब में भी कुछ चेंजेस किया है, तो जो मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे बैठ के बस थोड़ी देर के लिए फिशिंग वगैरह कर रहा था, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अपडेट्स है कि मैंने इधर विलेजर मतलब रख दिया है एंड बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो मैं ज़रा आवाज़ कम कर लेता हूँ। सॉरी, ये ज़ॉम्बीज़ अभी डिस्पॉन नहीं होंगे क्योंकि इनको मैंने कोई ना कोई आइटम पकड़ा, जैसे कि इसको एक्स एंड इसको एक शवल पकड़ा दिया है मैंने, तो ये दोनों डिस्पॉन नहीं होने वाले। एंड अगर देखा जाए, मैंने इधर ट्रैप डोर लगा दिया है। एंड अगर ठीक से दिखाऊँ, मैंने ये नीचे वाले नॉर्मल पिस्टन्स थे, इसको मैंने स्टिकी पिस्टन्स कर दिए। तो लास्ट बार स्लाइम बॉल्स मैंने कलेक्ट तो किए थे, उन्हीं से कुछ बचे थे, उन्हीं से काम चल गया मेरा। तो अभी चलो आगे बढ़ते। आज हम पहले हमारे विलेजर्स को ना वहाँ से यहाँ पे लाने वाले हैं। एंड ये आधे इधर क्यों है मेरे को नहीं पता, शायद ये विलेजर निकलने के बाद ये विलेजर शायद से नीचे आ जाएगा, आई डोंट नो, लेट्स ट्राई। तो अभी पहली बात तो ये है, मेरे को विलेजर चाहिए एंड सबको पहले चाहिए होता है मेंडिंग, तो मेरे को भी मेंडिंग ही चाहिए। मैं अपने घर जाके कुछ स्प्रूस लॉग्स लेके आया था। एंड अभी मेरे को कुछ बुक्स बनाने हैं, जो कि मेरे पास कुछ पेपर है ऑलरेडी, तो मैंने थोड़े बहुत जुगाड़ किए हैं अपने घर में थोड़े बहुत शुगर केन उगा के। अभी बुक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे 21 बुक्स मिल चुका है एंड अगर सर्च करें तो लेक्टर्न बन जाएगा, लेकिन उसके पहले बुक शेल्फ बनाना पड़ेगा। मैं 7 लेक्टर्न बनेंगे, मैं 4-5 लेता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा ये विलेजेस में रखूँगा भी नहीं। मेरे को फार्मर भी चाहिए खाने के लिए। हाँ, मेरे को कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी, जैसे कि एक माइनकार्ट। तो माइनकार्ट ले लिया है, अभी दिखा देता हूँ गाइज ये कैसे काम करता है। मैं जब ही इसको इधर डालूंगा, ओके, ये एक ही बार में काम नहीं किया, व्हाट द हेक। लेट्स इसका प्रोसीडियर चेंज करके देखते हैं, अगर इस बार भी नहीं हुआ एंड मैं ट्राई किया, हो गया काम। यप। तो आई गेस पूरा कॉन्ट्रैप्शन काम कर रहा है। ये जब ही विलेजर यहाँ पे आया तभी ये भी एकदम से रिट्रैक्ट कर गया। विलेजर यहाँ पे गिरने के बाद ये भी काम कर गया। एंड मैं जब भी चाहूँ इसको क्लिक करके विलेजर से इसे सॉरी ज़ॉम्बी से इसे कटवा सकता हूँ। तो लेट्स गिव हिम द जॉब एंड देखते हैं कि क्या देता ही है। एंड मैं कोशिश करूँगा इससे, आई गेस मैं कोशिश करूँगा इससे मेंडिंग लेने का। चलो ट्राई करते हैं वो चीज़। स्वीपिंग इट्स थ्री, यू नो दैट्स अ नाइस वन। तो मैं ना इसको चाहूँगा लॉक करके रखने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, ना है एमरल्ड्स ना है कुछ। तो एक और बुकशेल्फ लगाते ही यहाँ पे एंड एक और विलेजर को लेते, अगर ये विलेजर यप एक के बाद एक सारे ठीक ठाक से आ जाएंगे। तो चलो माइनकार्ट लेके मैं थोड़ा ये काम कर लेता हूँ एंड अब तक चलो कर लेते हैं एक टाइम लैप्स एंड टाइम लैप्स के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस वेलकम बैक आफ्टर द टाइम लैप्स। और ज़ॉम्बी चाचा क्या हाल है? तो चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस। ये पहले हमको ये स्वीपिंग एज तो मिला था, ये है। एंड उसके बाद मैंने जो जो विलेजर्स यहाँ पे लगाए ये देता है थ्रॉन्स 3। मैंने ये सारे लॉक कर दिए एक्सेप्ट दैट वन, क्योंकि उसका ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अभी कर सकूँ। तो स्माइट 5 अनलॉक्ड, एक सेकेंड, ये अनब्रेकिंग 3 एंड लक ऑफ द सी दे रहा है। इससे मैंने थोड़े एमरल्ड ट्रेड किए थे, इसीलिए इनके अभी लोअर करेंगे सारे ट्रेड्स और सस्ते करेंगे। और मेंडिंग कितना सस्ता में दे रहा है बंदा। और इसके ट्रेड अनलॉक करने के लिए मेरे को 9 एमरल्ड्स करने पड़े थे, तो हाँ वहीं पे मेरे सारे ये। और ये तो फार्मर है एज यूजुअल। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बंदा डेप्थ स्ट्राइडर दे रहा है, तो मैंने सोचा कि डेप्थ स्ट्राइडर एक और थिंग है जो चाहिए होगा। एंड ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसी एपिसोड में शायद या फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसको और थोड़ा इतना एक्सटेंड कर देंगे कुछ ऐसा,
क्योंकि और थोड़े विलेजर्स चाहिए होंगे मेरे को। तो चलो अभी हम थोड़ा बहुत दूसरे कामों में ध्यान देते हैं। ओहो चील चचा सो रहे कर आटे लेके। कौन है इधर इधर नीचे आयरन मैन। अरे 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 डायमंड मैन कैसे अच्छा ये बताओ रिसेंटली नेदर में लूटपाट करने गए थे क्या? नहीं सर नेदर पोर्टल अभी लगाए हैं, डर लग रहा है जाने से। हमको भी डर लग रहा है जाने से, इसीलिए हम सोचे कि हम तुमको थोड़ा सा कंपनी कर दे तो तुमको भी डर नहीं लगेगा और हमको भी नहीं लगेगा। तो क्या बोलते हो चलते मेरे को भी थोड़े से मतलब। हाँ सर सर वार मशीन को भी बुला लेते हैं। वार मशीन को कहाँ से बुलाएंगे? वार मशीन वेट देखना पड़ेगा। वेट नहीं है यहाँ पे नहीं है। आप आयरन मैन हो ना तो आयरन मैन के साथ वार मशीन होता है ना। यस वार मशीन अभी नहीं है यहाँ पे। वार मशीन अभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है। चलें सर कहाँ से चलिए चलते हैं। आपका नेदर पोर्टल कनेक्टेड है सर? सर मैं अभी गया नहीं, मैंने बना दिया है बस। चलो एक बार चल के देखते आ जाओ क्या होता है। सर एक 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 चीज चाहिए आपसे। क्या चीज चाहिए? लड्डू चाहिए सर। लड्डू? अरे अरे लड्डू हमारे पास चिकन का लड्डू है चलेगा? नहीं सर गाजर का लड्डू। अरे गाजर का लड्डू तो नहीं है। ये लड्डू चलेगा? ये लड्डू काम करता है? नहीं काम कर रहा है। बोलो। हमारे घर में घुसने से पहले अपने जूते उतार लीजिए। अच्छा अच्छा जूते ओके ओके उतार लिए गए। अरे आप अपने जूते उतारो, मैं अकेला थोड़ी जूते उतारूंगा। ये क्या ये गलत बात है। चलो फिर होम रिव्यू। यस ओह माय गॉड। स्वागत है आपका हमारे इस गरीबों वाले महल में। पूरा पूरा सुरंग मतलब पूरा क्या बोलते केव का लुक दिया है तुमने। यस सर नॉइस। यहाँ पे एक बहुत ही भयानक जानवर रहता है, उसके लिए बनाए हैं ये। ऐसा क्या? उसने मुझे बहुत मारा था, उसने कहा जल्दी बनाओ। ऐसा बात है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लैक स्टोन्स भी इंक्लूड करो ना, बड़ा ओपी दिखेगा। क्या बोलते? हाँ सर करेंगे। मैं नेदर गया ही नहीं तो था ही नहीं, तो इसी से काम चला लिया तब तक। अच्छा अब वो मारेगा दोबारा तो मैं कर डाल दूंगा। चलो अभी जूता पहन के नेदर में चले, क्या बोलते हो? तो उसके सर, पहले भोजन नहीं लिए, रुकिए भोजन लेके आते हैं। भोजन नहीं लिए? भोजन एक काम कर सकते हैं, भोजन हम गाजर का मतलब लड्डू लेके आ सकते हैं। हाँ सर सर लड्डू एक मुझे भी चाहिए सर। हमारे विलेजरों को लड्डू चाहिए, उनके को लड्डू नहीं मिल पा रहा है। आ जाओ चुप नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हमको पता है अच्छे गाजर के लड्डू कहाँ पे मिलते हैं। आ जाओ आगे सर, आगे सर ये कहाँ आ गए हम लोग? ये हमारे पहलू चाचा रहते हैं एंड इनके पास फ्री के गाजर मिलते हैं। ओह फ्री के? यस ये अंकल फ्री के गाजर रखते हैं अपने पास। जितना गाजर चाहिए ले लो, या फिर गाय चाहिए गाय ले लो, या फिर विलेजर चाहिए विलेजर ले लो, जो चाहे ले लो, वो कुछ नहीं बोलेंगे। डायमंड चाहिए? डायमंड मिलेगा क्या? डायमंड वो तो उनको ही पता है वो कहाँ पे रखते हैं, वो हमको नहीं पता। यहाँ यप। अरे यहाँ तो एक मंदिर है। हाँ हाँ वो मंदिर में ही छुपा के रखते है कहीं ना कहीं पे। ओके नॉइस। इधर से सीधे जाते हो तो मेरा वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है। इधर से जाना है हमको। इधर से वो पोर्टल में नहीं घुसिएगा, काफी अच्छी जगह है ना ये। बहुत अच्छी जगह है। ओए किधर गए? मस्त लग रहा है यार। हेलो आजा आजा। हां सर। हां यहां पे सर हम भटक गए। अरे इसके पीछे। हां चलो ये देखो फोर्ट्रेस आ जाओ। अरे इतना पास? हां मैंने एक्चुअली मैं पहले आया था तो मेरा दूर भी दिख रहा है। दूर भी दिख रहा है, बहुत बड़ा है। यस चलो
हेलो गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो मैं गोल्डन आर्मर क्यों पहना हुआ, वो मैं लिटरली भाई नेदर में जाके तो एक बार मरा था, एंड उसके बाद भी बहुत बार मर गया था, क्योंकि नेदर में मरने के बाद मैंने सारा सामान खो दिया, एंड उसके बाद मैं बहुत बार मर गया था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे आयरन ख़त्म हो गए थे, तो मैं आयरन माइन कर रहा था एंड मेरे को बहुत सारे आयरन भी मिल गए थे, लेकिन फिर मैं लावा में गिर के मर गया अनलकीली। एंड वापस से मैं पता नहीं क्यों स्पॉन सेट करने के बाद भी क्या ग्लिच चाहिए, मैं बार बार स्पॉन में रिस्पॉन होता रहा। एंड मैंने ये बहुत सारे टेस्ट किए, मैंने ये देखा कि जो बेड मैंने 1.15 में लगाया है, आई गेस उस बेड पर स्पॉन का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जब अपने घर में हूँ, अपने घर में अपना स्पॉन सेट कर रहा हूँ, तब मेरा स्पॉन सेट एक्चुअली दिखा रहा है कि हो रहा है, बट एक्चुअली हो नहीं रहा है, मैं स्पॉन हो रहा हूँ वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आसपास कहीं पे स्पॉन सेट करके मर जाता हूँ तो मैं यहीं पे ही स्पॉन होता हूँ। पता नहीं यार, कभी कभी पागलों जैसे कैसे कैसे ग्लिचेस होते रहते हैं माइनक्राफ्ट में। जो भी है, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, एंड हमें एक्चुअली इस तरफ जाना था, इसका एक रीज़न था। यहाँ पे एक घर में कहीं ना कहीं पे, एंड हाँ ऑब्वियसली मेरे को वापस नेदर में जाके ये ब्लेज रॉड्स एंड बाकी सारे चीज़ें कलेक्ट करके लाने पड़े, तो यप कुछ तो करा नहीं जा सकता था, वापस जाना पड़ा। ये ब्रीविंग स्टैंड हमने ले लिया यहाँ से, अभी इसको वापस से लॉक कर देते। ये ले रहा हूँ, इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे मैंने ये क्यों लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो गाइस, एंड अभी उधर जाके सारी चीज़ें कर लेती यहाँ पे भी, और भी स्पॉन में। राइट यह तो चलो, लकीली माइन कार्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं माइन नहीं करने जाना चाहता यार। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले तो आयरन फार्म बनाने का सोचूंगा यार, आयरन की इतनी कमी पता नहीं यार। चलो जल्दी से विलेजर बबुआ, यस बड़ा विलेजर ही आना, छोटा बच्चा विलेजर नहीं आना। एंड चलो देयर ही गोस, यस। इधर इसको लाने का मेन मोटिव क्या है पता है? इसको लाने का मेन मोटिव एक्चुअली ये नहीं है कि इसको बनाऊं, एक्चुअली इसका लेने का मेन मोटिव ये है। एंड हाँ यप, ये चीज़ें मैंने कलेक्ट करा हुआ है वापस जाके, तो इसको कहीं ना कहीं पे तो लगाना पड़ेगा। अभी के लिए इसको एक टेम्पोररी लोकेशन पे लगा देते हैं, बाद में इसको कहीं और लगा देंगे। मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, मेरे को चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले चाहिए एक ब्राउन कलर का मशरूम, जो कि नेदर में कहीं ना कहीं पे तो उगा हुआ तो मिलेगा ही मिलेगा। या फिर यू नो व्हाट, मेरे को क्या है, ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे आसपास मैंने कोई ब्राउन मशरूम का ट्री देखा है। यप, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो पहलू के घर में जाके कुछ स्पाइडर आई लेने पड़ेंगे, या फिर मेरे पास अगर स्पाइडर आई पड़े हुए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। पहले यहाँ से थोड़े बहुत ब्राउन मशरूम ले लेते हैं, हमें चाहिए शुगर केन होंगे थोड़े से इधर, या फिर घर में तो होंगे ही होंगे। चलो ये ब्राउन मशरूम मिल गया, फिर जाना पड़ेगा पहलू के घर। एंड जाते हुए मेरे को और अगर कुछ जो भी कोल्ड वोल्ड सब लेके आऊँगा। चलो तो यस पहलू चाचा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको, आपसे मैंने एकदम फ्री में नहीं लिया है, हम आपके लिए एक स्टैक के बदले चलो 10 बाहुबली ब्रेड छोड़ के गए। ओके, दिस इज द बाहुबली ब्रेड। ओके, तो इसको मैंने नेम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पैकेजिंग के बिना एकदम रॉ प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो यप, अगर आप देख रहे हो मैंने फ्री में नहीं लिया है, मैंने 10 दिए, 10, ठीक है ना, एकदम मतलब इतने ज़्यादा बाहुबली ब्रेड तो काफ़ी होंगे ना, एक्चुअली ज़्यादा होंगे। ये चीज़ें बनाइए, पहले तो इसको डाल लेते हैं, एंड पहलू भाई के घर से जो निकाला था उसको तो बाद में करेंगे, पहले शुगर लेते हैं, फिर ये बन गया फर्मेंटेड स्पाइडर आई। तो गाइज वैसे नहीं बनाया जाता, तो मैंने क्या किया कि ऑकवर्ड पोर्शन निकल के नॉर्मल वाटर बॉटल डाल के डायरेक्टली उसमें फर्मेंटेड आई कनेक्ट करके एंड उसमें गन पाउडर दे दिया, तो ये बन गया हमारा वीकनेस पोर्शन। तो अभी क्या करना है कि सबसे इंटरेस्टिंग काम, पहली बात तो ये है कि कौन से विलेजर को हम ये करें, लेकिन उसके पहले हमको गोल्डन एप्पल्स चाहिए, पहले गोल्डन एप्पल्स कर लेते हैं। सिर्फ 2 गोल्डन एप्पल्स बना सकता हूँ मैं, मेरे पास गोल्ड की कमी है यार। तो गाइस देखने से लग रहा है कि मैं ये एक एमरल्ड से अभी अनलिमिटेड एमरल्ड करने वाला हूँ। मेंडिंग वाला विलेजर का भी 9 है, इसका करने से मेंडिंग का बुक भी कम होगा, तो मेंडिंग वाला विलेजर को करना है। एंड एक और विलेजर है जो है ये वाला, ये बुक के बदले में ये देता है। तो अभी हम इस विलेजर को एंड इस विलेजर को करने जा रहे हैं, तो लेट्स डू इट बॉयज। पहले इसको नीचे करना है एंड इधर एक ब्लॉक डालना है ताकि ये मेरे को देख ना पाए,
आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग यार, ये विलेजर अभी भी मेरे ओके नहीं, इट वर्क्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वर्क एंड मैं बाहर नहीं जाना चाहता कहीं पे, फिर इसको कर देते हैं एंड आई गेस इट विल वर्क टू। अभी हमारे पास ये दो विलेजर से अभी करके देखते हैं गाइस। पहले करना है कि ये पोर्शन डालना है इन पे, एक देते इसको नॉइस, दूसरा देते इसको ठीक। करेक्ट विलेजर्स को किया ना मैंने, हाँ इस करेक्ट विलेजर्स को किया मैंने। जाके मैं सो के आता हूँ, होपफुली ये रिस्पॉन्ड नहीं होंगे, नहीं ये रिस्पॉन्ड नहीं होंगे, मैंने इनको अभी एप्पल्स दिए ना। ओ यस गाइस, हमको अचीवमेंट मिल चुका है एंड ये देखो एक बुक के, बस यही ट्रेड हमको चाहिए था गाइस। अभी इससे भी पेपर वाला ट्रेड कर सकते, एक और बार किया ना तो ऐसा भी हो जाता है कि एक पेपर दो तीन बार करना पड़ता है, एक पेपर के बदले में भी एक एमराल्ड दे सकते हैं, लेकिन तब वो हम तब करेंगे जब हमारे पास होगा गोल्ड का फॉर्म। अभी एक एमराल्ड के बदले एक मेंडिंग बुक, लेकिन ये हम नहीं करेंगे, हम इसको एक और बार ट्रेड करने का ये करने का कोशिश करेंगे, ताकि अभी देखो हमको इससे तीन बुक्स मिल सकते हैं राइट, तीन बुक्स एंड इन तीन बुक से, तीन एमराल्ड से तीन बुक, मतलब एक एमराल्ड का एक बुक एंड हम इस तीन को ए यहाँ पे देखे वापस से ये इक्वल हो जाएगा, तो इसको एक और बार करना पड़ेगा हमको। तो चलो अभी गोल्ड का जुगाड़ करके आते हैं। वो नाइस, मैंने यहाँ पे इतने सारे गोल्ड लग दिए थे, लॉल मेरे को अब पता चला। चलो नाइस, अभी घर चलते हैं, वी आर बैक एंड हम बनाने वाले बहुत सारा गोल्डन एप्पल्स। अभी देखते हैं इसको कितने बार क्योर करना पड़ता है, जब पांच बार क्योर करना होता है पांच ही बार क्योर कर देंगे एकदम से। कौन सा विलेजर था, ये वाला विलेजर था नहीं, अभी भी दे रहा है ना डिस्काउंट, ये सभी भी दे रहा है डिस्काउंट, ये भी दे रहा है ना, ऐसे ये लोग डिस्काउंट देते हैं, कितने दिनों तक देते हैं ये मैं भूल गया हूँ, पर ये तो एक बुक का डिस्काउंट अभी तक दे रहा है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। बस हाथ में ब्लॉक रखने का, इसको ऐसे करने का, इसको ऐसे करने का बात, ओके चलो कोई बात नहीं। रात के 3:30 बजे हम यहाँ पे सनसेट देख रहे हैं बैठ के एंड आसपास के ज़ॉम्बीज के बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ही ओपी लगते हुए। और अगर आप लोगों को लग रहा है ये ऊपर ये इतना बड़ा नंबर क्या है, एक्चुअली ये पहले डेथ काउंट था, अब ये टाइम प्लेड है बस। तो ये क्योर हो चुका है गाइस एंड अभी यस बस यही तो चाहिए था, तो बस इससे ये लेना है मेरे को, ये लेने के बाद ये ऐसे रखना है, ये ऐसे तोड़ना है एंड तभी इससे मिलेंगे हमें तीन बुक्स मिल गए राइट। अच्छा मैं हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बुक थे तो इससे तीन बुक तो मिलते हैं, वो सबको बताइए, वो देखने की कोई बात नहीं है। अब इसको डालने हैं ये बुक्स एंड बुक्स डाल के इससे लेने 8 एमराल्ड, साथ ही साथ XP फ्री में एकदम फुल मचे, नॉइश नॉइश नॉइश। अभी इससे क्या करते हैं कि जितने ले सकते हैं लाइक 8 ही दे रहा है, तो चलो गाइस एक टाइम लैप शुरू करते हैं हम इधर एंड टाइम लैप्स के साथ दिखा देते हैं आपको कि क्या करा है मैंने। गाइस लास्ट बहुत देर से ग्राइंड कर रहा था एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने लिटरली इतना ट्रेडिंग किया अनब्रेकिंग 3 मिनट एंड कुछ एक्वा एफिनिटी भी है, लेकिन लिटरली इतने सारे ट्रेडिंग किया क्योंकि सीरीज वन में मेंडिंग, सीरीज वन में अनब्रेकिंग और नाइस ये विलेजर मेरे को तो नेम टैग भी वन में ही दे रहा है, नाइस नाइस एकदम बोले तो मस्त। तो प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में हम फुल डायमंड गियर एंड बाकी सारे स्टफ हो जाएंगे फुल मैक्सड आउट आई गेस सो एंड बाकी सारी चीज़ों में भी प्रोग्रेस करेंगे लाइक आयरन फार्म गोल्ड फार्म देखते हैं, मतलब कितने एक एपिसोड तो कितना ही किया जा सकता है नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं आप सबके साथ एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ अगर किसी ने कमेंट में बहुत अच्छा क्रिएटिव कमेंट किया तो मैं उसको शाउट आउट दिया करूँगा। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।